वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में पलकी की शादी टूटने वाली है। अब यहाँ पर पूरी तरह से शादी तोड़ने की एक सबसे बड़ी वजह यहाँ पर बताया जाएगा राजवीर को, और राजवीर और पलकी की नजदीकियों पर सवाल उठाए जाएंगे। शौर्य यहाँ पर एक ऐसा सबूत और एक ऐसा यहाँ पर चाल चलने वाला है जिसमें पलकी और उसके साथ साथ राजवीर की नजदीकियों का एक अलग ही मतलब निकाल कर दूसरों के सामने दिखाया जाएगा, जिसके बाद में अब यहाँ पर शादी तोड़ते हुए नजर आएगा केतन, और केतन काफी ज्यादा गुस्सा होने वाला है, जिसके बाद में कहानी एक बार फिर से एक नए मोड़ पर आएगी। लेकिन क्या राजवीर बचा पाएगा यहाँ पर पलकी की टूटती शादी को, या फिर उसे ही जिम्मेदार समझा जाएगा? क्या दिखाया जाएगा आने वाले एपिसोड में? क्या शौर्य का प्लान कामयाब हो पाएगा? चलिए सारी बातें बताएंगे इस वीडियो के अंदर। उसे बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करके ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट लाते रहते हैं। आप एक लाइक करेंगे, हमें अप्रिसिएशन मिलेगी और हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहेंगे। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने को मिलेगा कि अब यहां पर राजवीर और उसके साथ साथ पलकी की नजदीकियों को एक अलग ही तरह से दिखाया जाएगा, जहां पर शादी के अंदर कुछ तस्वीरें यहां पर प्रोजेक्ट हो रही होंगी, जिसमें अब यहां पर राजवीर और उसके साथ साथ पलकी की नजदीकियों को शौर्य एक अलग तरीके से लोगों के सामने लाएगा। ये सारी तस्वीरें देखते ही केतन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। केतन साफ साफ मना कर देगा अब यहां पर शादी करने से पलकी से, और उसके साथ साथ ये शादी बीच रास्ते में ही तोड़कर चला जाएगा, जिसके बाद में पलकी टूट जाएगी। पलकी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पर राजवीर कोशिश करते हुए नजर आएगा केतन को वापस लाने की, केतन को समझाने की, और केतन को यहाँ पर एक बार फिर से पलकी से शादी करने की बात बोलने की, जिसके बाद में यहाँ पर राजवीर को ही यहाँ पर गलत ठहराया जाएगा। राजवीर को एक बार फिर से गलत बोला जाने वाला है, राजवीर को एक बार फिर से यहाँ पर उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पलकी को जो चाहिए था, उसकी शादी ना हो, वो तो नहीं हुई, लेकिन उसके ऊपर काफी बड़ा इल्जाम लग चुका है। लेकिन अब कैसे यहाँ पर राजवीर और पलकी अपने ऊपर लगे इल्जाम को मिटाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या ये साबित हो पाएंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब